देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, प्रदेश सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। मानसून की दस्तक के साथ ही अलर्ट हुआ जिला प्रशासन, डीएम ने सभी विभागों को दिए सख्त निर्देश। पर्यटन स्थलों पर लगी सैलानियों की भारी भीड़, लोगों पर मंडराने लगा कोरोना का खतरा, प्रशासन ने जारी किए नए नियम। बच्चों के इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ने के सपने होंगे साकार, अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना से प्रदेश में खुलेंगे 190 स्कूल। देश भर में ऑक्सीजन बढ़ाने और उपलब्धता की प्रगति पर पीएम मोदी की उच्च स्तरीय बैठक खत्म, पीएम ने अधिकारियों से जानी मौजूदा स्थिति। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नैनीताल सांसद अजय भट्ट को रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनने पर लालकुआ में खुशी की लहर देखने को मिली। यहां भाजपाइयों ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र में राज्य का मजबूत प्रतिनिधित्व मिलने से विकास की गति दोगुनी होने की उम्मीद जताई है। वहीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जसवीर कौर ने कहा कि मसूरी क्षेत्र के निवासी सरकारी योजनाओं से वंचित हैं। पटवारी और राशन कार्ड अधिकारी सप्ताह में केवल एक दिन ही कार्यालय पर बैठते हैं। ऐसे में जरूरतमंद लोगों के आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं में स्थायी निवास प्रमाण पत्र अनिवार्य करा दिया है, लेकिन जब मसूरी में पटवारी नहीं बैठेंगे तो आम आदमी अपना स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैसे बनवाएगा। हमने आज महिला कांग्रेस ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली की गई है क्योंकि जनता बहुत परेशान है। यहाँ पर जो पटवारी है वो नहीं आते और राशन कार्ड अधिकारी भी नहीं आते क्योंकि उनका एक दिन निश्चित किया गया है सिर्फ बृहस्पतिवार, और जो राशन कार्ड अधिकारी है उनका शनिवार। तो बृहस्पतिवार को पटवारी जो है कम से कम एक एक महीने तक नहीं आते क्योंकि अगर उनसे फोन पे पूछा जाए तो वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत कार्यभार है और हमारे पास पांच छह क्षेत्र है तो हम कैसे आएंगे, इसलिए मसूरी आते ही नहीं। और जनता को देश भर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अल्मोड़ा में कांग्रेस पार्टी ने सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान सरकार पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने कहा कि डबल इंजन की सरकार के दौर में आम जनता महंगाई के बोझ तले दब चुकी है। आम आदमी दैनिक उपभोग की वस्तुओं से लेकर पेट्रोल डीजल के महंगे होने से परेशान है। बढ़ती महंगाई का जवाब जनता आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को देगी। जो कांग्रेस 2014 में पेट्रोल डीजल के दाम छोड़ गई थी और आज 100 से ऊपर पेट्रोल का दाम पहुंच चुका है, डीजल पहुंच चुका है, और उसके साथ साथ जो हमारी दैनिक आवश्यकता है, दैनिक जो हमारी खाद की आवश्यकता है, जो गरीब के लिए बहुत ही भारी पड़ रहा है, आज उसके दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। चाहे वो दाल हो, चाहे आटा हो, चाहे चावल हो, चाहे तेल हो, इन सारी महंगाई अन्य चीज़ों को लेकर आज हम सब लोग यहाँ पर प्रदेश सरकार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ उसको जगाने के लिए, उसको चेताने के लिए यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाग जाओ, नहीं तो जनता तुम्हें इस प्रदेश से, इस देश से भगा। मानसून की दस्तक के साथ ही जिलाधिकारी ने सभी विभागों को अलर्ट पर रहने को बोला है। प्रदेश में मानसून की दस्तक हो चुकी है। पर्वतीय क्षेत्रों में इस मौसम में सड़कों के धंसने और मार्गों के बाधित होने का खतरा बढ़ जाता है, जिसको लेकर जिला प्रशासन अलर्ट हो गया है। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि जिले में पिछले कई दिनों से हुई बारिश से कई मार्ग बंद हो गए थे, जिनको अब खोल दिया गया है। अब मानसून को लेकर हमारा फर्स्ट वेव ऑफ तैयारियां पूरा हो चुका है। हमारी जितनी भी लगभग कोशिशें की जा रही हैं, कुछ सड़कें अभी भी बंद हैं जिनको हम लोग खोलने के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन सारे मेजर मोटर मार्ग इस समय खुले हुए हैं। और जितनी भी हमारी फर्स्ट जो हमारी बारिश हुई है उसमें जो भी हानि हुई है उसका आकलन करकर मुआवजे कर रहे हैं। वहीं यौन शोषण के आरोप में घिरे द्वाराहाट विधायक महेश नेगी ने अपने को बेकसूर बताते हुए से कांग्रेस की साजिश बताया है। साथ ही उन्होंने पीड़ित लड़की पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही पीड़िता की कई तस्वीरें दिखाकर कई युवकों से संबंध होने की बात कही है। महेश नेगी ने इस प्रकरण को कांग्रेस का षड्यंत्र बताया है। बता दें कि पिछले दिनों एक युवती ने कांग्रेस के प्रदर्शन में विधायक महेश नेगी पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। ये मेरा इतना कहना है, मैं पहले भी शुरुआती फेस में ही कह रहा था ये सब जाल बट्टा जो है ये कांग्रेस का रचा हुआ है, तो कल ये पूर्ण तरीके से साबित हो चुका है कि हाँ ये कांग्रेस द्वारा ही रचा हुआ जाल बट्टा था। जिस तरीके से उन्होंने कल उस
महिला को अपने मंच में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाकर उसका स्वागत किया वहाँ पर और उससे सारी बातें रखी। उससे एक चीज़ और समझ में आती है कि ये लोग ये जानते हैं कि उन्होंने कहा कि न्यायालय में अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं धरने में बैठ जाऊंगी, तो इसका मतलब ये न्यायालय को भी चैलेंज करने वाली बात है, न्यायालय को भी उसकी अवहेलना करने की बात है, अवमानना करने की बात है। आपको विश्वास भारत के संविधान पर नहीं है, इसका मतलब आप स्पष्ट रूप से मनोवैज्ञानिक तौर पर भी अन्य तौरों से भी आपको पता चल चुका है कि मैंने ये झूठी शिकायत करके किसी को फंसाने का काम किया जिसके कि साक्ष्य मेरे पास अब है नहीं, तो इसलिए लिहाजा यह दांव। वीकेंड में पर्यटन स्थलों पर लगी सैलानियों की भारी भीड़ से कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। डीआईजी नीलेश भरने ने बताया कि उत्तराखंड में आने वाले पर्यटकों के लिए आरटीपीसीआर और पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही पर्यटन स्थलों पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी टिहरी को भी इस संबंध में सूचित किया गया है और वो कैंपटी फॉल में एक समय पर 50 पर्यटकों के जाने की अनुमति अनिवार्य करने की बात कही है। इसके साथ ही पर्यटक स्थलों पर पुलिस बल की संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई है। तुरंत ही जो है इस पर पुलिस महानिदेशक द्वारा जो है संज्ञान लिया गया। केएमटी की जो वीडियो आई थी आज उसमें वीसी की गई पुलिस महानिदेशक द्वारा और सभी के साथ जो है नैनीताल टिहरी हरिद्वार जहां जो मुख्य पर्यटक स्थल है उनके जो एसएसपी है उनको निर्देशित किया गया है कि जो वीकेंड आ रहा है तो आज से ही जो है वो तैयारी में रहे, अपने बॉर्डर्स जो चेक पोस्ट है वहां पर जो है अपनी डिप्लॉयमेंट रखे और जो कोविड की गाइडलाइंस और जो निर्देश आए हुए हैं कि जो आने वाले हर भाद्राबाद से भीम आर्मी भारत एकता मिशन एवं आज़ाद समाज पार्टी के द्वारा संयुक्त रूप से जाति तोड़ो समाज जोड़ो साइकिल यात्रा निकाली गई जिसके माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों एवं नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एवं काशीराम के आदर्शों पर चलने के लिए भी लोगों को प्रेरित करने के लिए इस यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान महक सिंह प्रदेश अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी और मुन्नी लाल शिंदे प्रदेश अध्यक्ष भीम आर्मी के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोविड काल के मद्देनजर भले ही शराब की बिक्री सीमित समय के लिए शुरू की गई हो लेकिन एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ट्रैक्टर पर रखकर शराब बेची जा रही है। वीडियो वायरल होने के बाद आबकारी विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल मंगलौर के उदलहेड़ी गांव स्थित देशी शराब के ठेके के बाहर अवैध रूप से देशी शराब की बिक्री की जा रही है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शराब बेचने वाला व्यक्ति पहले ग्राहक से पैसे लेता है उसके बाद ट्रैक्टर में छिपाकर रखी शराब ग्राहक को देता है। मामले को लेकर रुड़की एसडीएम पूरण सिंह राणा का कहना है कि वीडियो के माध्यम से मामला सामने आया है जिसकी जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सभी ग्राम पंचायतों को हाईवे से जोड़ा जा रहा है लेकिन श्रीनगर विधानसभा के थैली सेंड में लोग आज भी सड़क की सुविधा से दूर हैं। सियूसाल गांव के लोग कई बार प्रशासन और मंत्रियों से गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने 31 मार्च 2021 को 2 महीने में सड़क मार्ग शुरू करने का वादा किया था लेकिन ये वादा भी ठंडे बस्ते में चला गया। ग्रामीणों ने कहा कि कई बार तबीयत खराब होने पर ग्रामीणों को मुख्य सड़क तक पहुंचाने के लिए लगभग 3-4 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है, ऐसे में कई बार मरीज की हालत ज्यादा बिगड़ जाती है। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी और सोनप्रयाग के बीच हाईवे के चौड़ीकरण के चलते लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। इसके साथ ही लोगों के मकानों रास्तों और पानी की पाइपलाइनों को भी भारी नुकसान हो रहा है जिसको लेकर ग्रामीण प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। ग्रामीणों का साथ देने के लिए किसान सभा भी सामने आ गई है। अखिल भारतीय किसान सभा के महामंत्री गंगाधर नौटियाल ने भाजपा कांग्रेस की पहाड़ विरोधी नीतियों पर विरोध जताया। उन्होंने कहा कि इन दोनों दलों ने कभी भी यहाँ की जमीन जंगल को बचाने का प्रयास नहीं किया। हमारे मुद्दे जो है जो पहाड़ों में जो प्रोजेक्ट बन रहे हैं वो जो है पहले विद्युत प्रोजेक्ट आए फिर जो गंगा गंगा की स्वच्छता के नाम पर आया, अभी जो सड़क चौड़ीकरण और रेलवे की लाइनें वगैरह बिछ रही हैं इसमें जो जो पहाड़ के लोगों की कल्पना थी कि भाई उत्तराखंड राज्य बनेगा और हमारे हाथ में सत्ता आएगी, वो सत्ता जो छीन रहे हैं अभी जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है सत्ता का विकेंद्रीकरण की बजाय जो हमारा संविधान में एक फेडरल स्ट्रक्चर है संघीय ढांचा है उसको नष्ट कर रही है गांव, क्योंकि इन पूरे प्रोजेक्ट में जो बेसिक सरकार है गांव पंचायत कहीं गांव पंचायतों की कोई सहमति भागीदारी उनके अनापत्ति
कहीं भी पंचायतों की कोई भागीदारी नहीं है, और उनको बाईपास करके, और जो हमारे जंगल हैं, अंग्रेजों तक ने हमारे जंगलों की बात हमारी सुनी, आज हमारे जंगलों का निर्मम कटान हो रहा है, और कहीं भी वन पंचायतों को उनको कहीं उनसे आपत्ति अनापत्ति नहीं ली गई, और पूरे जल जंगल और ज़मीन पर पूरी इन कंपनियों का, बड़ी बड़ी कंपनियों का अतिक्रमण हो गया है। पूरे काश्तकारों की जगह जगह ये डंपिंग जोन जो है, कोई डंपिंग जोन, कोई नियम कायदे से काम नहीं हो रहा है। डंप जहाँ चाहे वहाँ मलबा डाल रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ मशीन चढ़ा रहे हैं, जहाँ चाहे वहाँ से। सरकार की अटल उत्कृष्ट योजना विद्यालय से उन बच्चों के सपनों को जरूर पंख लगे हैं जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ने का सपना देख रहे थे। सरकार की इस योजना ने रफ्तार पकड़ ली है और जल्द ही स्कूलों में शिक्षक और पढ़ाई की तैयारियों को भी दुरुस्त कर दिया जाएगा। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा देने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसको अमली जामा देने का काम लगभग शुरू हो चुका है। पूरे प्रदेश में 190 इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की तैयारी की जा रही है। सरकारी सिस्टम में निश्चित ही गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, और गरीब भी चाहता है कि मेरा जीवन जैसा बीतना था बीत गया, लेकिन मेरे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए और इंग्लिश मीडियम की मिलनी चाहिए। उसी कल्पनाओं के तहत हमने तय किया कि प्रदेश के अंदर 190 विद्यालयों में अटल उत्कृष्ट विद्यालय करने की स्थापना की और उनकी मान्यता भी। हरिद्वार थाने के सिडकुल क्षेत्र में आए दिन लूट की वारदात लुटेरे देते रहते हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। जहां एक ओर पुलिस लगातार अपराधियों का पर्दाफाश करने में लगी हुई है, तो वहीं पुलिस को चुनौती देते हुए तमंचे के बल पर कंपनी से कार कर लौट रहे वर्करों से लूट की जा रही है। बता दें कि 15 दिन से लगातार तमंचे के बल पर लुटेरे मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं और पुलिस मामले की जांच में लगी रहती है। उत्तराखंड सरकार कांवड़ यात्रा के संचालन को लेकर पड़ोसी राज्यों से बात करने के बाद ही निर्णय लेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा 25 जुलाई से शुरू करने का ऐलान कर उत्तराखंड सरकार की दुविधा बढ़ा दी है। उनके इस ऐलान के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बृहस्पतिवार को बैठक बुलाई, जिसमें कांवड़ यात्रा के संचालन की संभावना पर मंथन हुआ। पड़ोसी राज्यों से भी बात करके राज्य सरकार कोई निर्णय ले सकती है। बैठक में मुख्यमंत्री ने उच्चाधिकारियों को निर्देश दिए कि इस संबंध में पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापक विचार विमर्श कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाए। उत्तराखंड राज्य में पलायन एक चिंता का विषय बना हुआ है, जो कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेता। तेजी से हो रहे पलायन को रोकने के लिए सरकार ने किसानों को एक राहत दी है। दरअसल सरकार ने किसानों को अलग अलग प्रजाति के फूलों को उगाने का काम दिया है। इस योजना को सरकार ने स्वरोजगार योजना से भी जोड़ दिया है। इस काम के लिए सरकार किसानों को मशीनें भी उपलब्ध कराएगी। उत्तराखंड में मैदान से लेकर पहाड़ तक पिछले कई दिनों से जबरदस्त गर्मी का सामना कर रहे लोगों के लिए अब राहत देने वाली खबर आई है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक 12 जुलाई तक राजधानी देहरादून के अलावा पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। वहीं शनिवार से सोमवार तक के लिए देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी, उत्तरकाशी, चंपावत जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।